अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा तो गाइस, मैं आप सबके साथ गोल्ड के आज के एनालिसिस शेयर करता हूँ। उससे पहले लास्ट जो मैंने एनालिसिस शेयर किया था वो वीडियो देख लें और प्राइवेट ग्रुप के सिग्नल रिजल्ट देख लें। प्राइवेट ग्रुप में कल हमने दो दफ़ा गोल्ड को बाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह दो दफ़ा हमारे टीपीस हिट हुए। अगर किसी को भी प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना और हमारे साथ ट्रेड करनी है तो नंबर नीचे मेंशन है, आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मार्केट अगेन बुलिश साइड पे अप साइड पे जा सकती है। अब इसमें फर्स्ट टारगेट इसका ये होगा, ये एरिया फर्स्ट टारगेट है इसका, ठीक है, डबल टॉप, और ये हाई ब्रेक करती है मार्केट, देन मजीद जो है आप 2360 तक भी इसको बुलिश साइड पे इजीली देख सकते हैं कम से कम। अच्छा तो गाइस, लास्ट वीक के एनालिसिस आपने देखे थे जो मैंने आपके साथ किए थे लास्ट एनालिसिस, उसमें ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये लेवल शेयर करके दिया था, जब तक प्राइसेस इससे ऊपर हैं प्राइसेस बुलिश है। रीज़न क्या था, मार्केट ने एक हाई यहाँ पे क्रिएट किया, हायर हाई अगेन हायर हाई हायर लो ब्रेक किया था ये स्ट्रक्चर, तो जब तक ये लो वैलिड था आपका मार्केट का ट्रेंड जो था वो बुलिश साइड पे था, मार्केट अगेन हाई ब्रेक कर सकती थी। इस पॉइंट पे काफ़ी देर मार्केट ने रेंज किया लेकिन ना तो सपोर्ट ब्रेक किया ना रेजिस्टेंस ब्रेक किया, बट हमारा सपोर्ट एरिया स्टिल वैलिड था, तो प्राइसेस ने एक बुलिश मूव अपसाइड पे किया, जैसा कि जो टारगेट मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था वही टारगेट प्राइसेस ने हिट किया। अब तो जिस बंदे ने वीडियो प्रॉपर डिटेल से देखी होगी उसको इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ होगा, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेड्स इन पॉइंट्स पे दी हैं, और जो टारगेट्स ऊपर का आपके साथ शेयर किया हुआ था वो टारगेट परफेक्टली मार्केट ने वहीं पर जाके हिट किया। अब बात करते हैं आज की, आज का मार्केट का क्या सिनेरियो हो सकता है और डाउन साइड पे मार्केट कहाँ तक जा सकती है और बुलिश साइड पे कहाँ तक जा सकती है। तो जिस बंदे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। अच्छा सबसे पहले हम अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, ठीक है, अब जैसा कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में जा रही है तो हम ट्रेंड लाइन भी साथ इसको मार्क कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये हेल्प करती रहेगी साथ साथ जब तक मार्केट इससे ऊपर। अब फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई कि ट्रेंड लाइन हमने मार्क कर ली, अब हमने देखना है कि मार्केट जो है वापस डाउन साइड पे कहाँ तक आ सकती है। ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी होगी कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है मार्केट बुलिश है, मार्केट अगेन रीटेस्ट करके अप साइड पे जा सकती है। तो आज का जो इसका लेवल बन रहा है H1 की बेसिस पे वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। आज अगर हम इसको देखें तो फर्स्ट आपके पास ये लेवल बन रहा है बाइंग के लिए, अच्छा और बेहतरीन लेवल है। प्राइसेस भी आपको बता देता हूँ, बाकी जिस जिसने प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना है कंफर्म सिग्नल जिसको चाहिए वो हमारे साथ प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर नीचे स्क्रीन पे आपके पास शो हो रहा है। अच्छा तो ये प्राइस यहाँ पे बन रही है इसकी 2346 का एरिया, 2346 टू 2341। और एक और चीज़ आपको इसमें बताऊँ कि यहाँ पर अगर आप देखें प्राइसेस ने क्या किया, फर्स्ट हाई क्रिएट किया, एक हायर लो अगेन हायर हाई, अप साइड पर हाई ब्रेक किया, रिट्रेस किया डाउन साइड पे, इक्वल लोज अगेन हाई ब्रेक किया। अब जब तक ये लो वैलिड है आपका तब तक मार्केट रिट्रेस करे और अगेन एक अच्छा मूव बुलिश साइड पे आपको देखने को मिल सकता है, वो इन एरियाज़ में, ठीक है। फर्स्ट एरिया ये है आपका एंड सेकंड एरिया जो है कि ये रेजिस्टेंस लेवल जो प्राइसेस ने ब्रेक किया मार्केट ने ब्रेक किया, इन लेवल्स पे भी अगर रीटेस्ट करती है मार्केट तो आप यहाँ से इसको बुलिश साइड पे देख सकते हैं। और आपका इसमें टारगेट क्या रहेगा वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें आपका टारगेट अगर H4 के टाइम फ्रेम पे आप देखें तो मैंने आपको लास्ट वीक प्रॉपर डिटेल के साथ सारी चीज़ें बताई थी, आप बेशक वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो ये एरिया जो है आपके पास इसका नेक्स्ट टारगेट बन रहा है H4 के टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आज डेटा वगैरह कोई नहीं है मार्केट थोड़ी स्लो मूव कर सकती है, बाकी फ्राइडे को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ वगैरह हैं तो मार्केट के अंदर काफ़ी तेज़ी रहेगी। अब ये पॉइंट्स कौन से बन रहे हैं हमारे पास, ये बन रहे हैं 2374 का एरिया अपसाइड पे, इन एरियाज़ पे मार्केट जो है अपना नेक्स्ट टारगेट हिट कर सकती है। इन एरियाज़ पे यहाँ पे कंफर्मेशन देख के कोई भी रिजेक्शन मिलेगी देन हम सेल साइड पे इसको फिर यहाँ से प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज़ जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रही है मार्केट अगेन अपसाइड पे इस रेजिस्टेंस तक और इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करती है तो मजीद बुलिश साइड पे जा सकती है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। अगर मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देखें लाइक M30 के टाइम फ्रेम पे, इसमें भी आपका यही बेहतरीन लेवल आपके पास यहाँ भी M30 का बन रहा है, ठीक है। आपने वेट करना है कि मार्केट अब डाउन साइड पर रिट्रेस करे, ओवरऑल हम
बाई की ट्रेड करेंगे ट्रेंड के साथ तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगी निस्बत सेल के, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट जब जब हम जाके ट्रेड करेंगे हमारी ट्रेड जो है वो रिस्की होगी। अब बाई करना है तो बाई के लिए फिर रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने हाई से हम अभी मार्केट को बाई नहीं कर सकते। इसके लिए वेट करें, मार्केट इन एरियाज पे आपको मिल जाए तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है, अदरवाइज मार्केट स्टिल बुलिश ट्रेंड में डायरेक्ट भी यहाँ तक जा सकती है। तो फिर इस लेवल पे आपने कंफर्मेशन देख के सेल साइड पे प्ले करना है। लेवल की प्राइसेस मैंने आपको बता दी हैं, अगेन से बता देते हो 2374 टू 2388 का ये जोन बन रहा है, H4 का ये जोन है, इसमें कंफर्मेशन ले के आपने ट्रेड करनी है। वैसे ही यहाँ से सेल प्ले नहीं करना, क्योंकि मार्केट इस वक्त बुलिश ट्रेंड में है तो मार्केट इसको ब्रेक भी कर सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।